दर्शकों, मैं दिव्या खोबरे और आप देख रहे हैं जेटीवी भारत। आइए रुक करते आज के मुख्य समाचारों की ओर। पिछली कमलनाथ की सरकार में वादे पूरे नहीं हुए, कमलनाथ सरकार ने जनता के साथ छल दो का अन्याय किया। आज कमलनाथ न्याय योजना की बात कर रहे हैं। 18 महीने की सरकार वादे पूरे नहीं कर पाई, किसान खून के आंसू रो रहे हैं। राहुल गांधी ने सीएम बदलने का ऐलान किया था। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में सिलेंडर पर सब्सिडी का ऐलान किया था। मिस्टर बंटाधार को पर्दे के पीछे रखा जाता है। कांग्रेस झूठ कपट करती है, हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। शिवराज सरकार ने किसानों का चहुमुखी विकास किया। जनता ने 2003 के पहले मिस्टर बंटाधार की सरकार भी देखी है, कमलनाथ की 15 महीने की सरकार भी देखी है। शिवराज सरकार ने हर वर्ग का विकास किया है। आज मध्य प्रदेश के अंदर मैंने देखा कि कमलनाथ जी ने कई प्रकार की घोषणाएं वादे करने का आज पुनः प्रयास किया है। 2018 के चुनाव में श्रीमान कमलनाथ जी और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने कई प्रकार के वादे उस समय जो किए थे और उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने 15 महीने की सरकार में, किसी सरकार को 15 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है, एक भी वादा पूरा न करते हुए मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ धोखा छल और कपट किया था। मुझे आश्चर्य है कि 15 महीने की सरकार में जिन्होंने किसानों के साथ हमेशा छल किया, धोखा दिया, अन्याय किया, वे आज कृषि न्याय योजना की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी, मैं गंभीरता के साथ पूछना चाहता हूं कि जो वादे आपने 2018 से पहले किए थे, उनमें से कौन सा वादा आपने किसानों का पूरा किया था? कांग्रेस की 2003 से पहले की जो बंटाधार सरकार थी, मिस्टर दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, सड़क बिजली पानी से लेकर के दुरावस्था का दौर था, और 2018 में जो सरकार बनी श्रीमान कमलनाथ, जो कमीशन नाथ के तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर पहचाने गए, उन्होंने 2018 में सरकार बनने के बाद किसानों को बेहाल किया था। किसान खून के आंसू उस समय रो रहे थे और आपके नेता राहुल गांधी ने कहा था कि 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री हटा दूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड श्रीमान राहुल गांधी ने कहा था, लेकिन न किसानों का कर्जा माफ हुआ, न किसानों के नौजवानों के, आपने उनको बेरोजगारी भत्ता 4,000 रुपये देंगे, 1 रुपया किसी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नाम की कोई चीज नहीं दी थी। आपके घोषणा पत्र में था कि 100 रुपये हर गैस सिलेंडर पर हम कम करेंगे, 1 रुपया 15 महीने में कम नहीं किया था, बल्कि किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ी थी। तो ये झूठ बोलने वाला काम कमलनाथ जी, आज किसान के हित पर आप ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि प्रदेश में जब चुनाव आते हैं तो आप इस प्रकार के झूठे वादे करके भ्रम
फैलाने का काम करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता आपको जानती है। आज अब यह नहीं है कि वो झूठ बोलते हैं, गजब तो यह है कि वो बार बार झूठ बोलते हैं। अब ये बार बार झूठ कमलनाथ जी और मिस्टर दिग्विजय सिंह जी बंटाढार, जिनको आप पर्दे के पीछे रखते हैं, रोज प्रियंका जी आती हैं तो पर्दे के पीछे रहते हैं, सामने नहीं आते हैं। ये मध्य प्रदेश का मीडिया, आज मैं मीडिया के सामने इस बात को कह रहा हूं, अरे हम कहते हैं कि हम आंखों में आंख मिलाते हैं, अगर हमने 18 साल की सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अगर गरीबों के जीवन को बदलने का काम किया है, किसानों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दी है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने आपकी सरकार जाने के बाद किसानों को 4,000 रुपये दिया था, अभी 2,000 रुपये और बढ़ा करके किसानों के खातों में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2,000 रुपये बढ़ा करके उन्हें किसानों को देने का काम शुरू कर दिया है। आप केवल झूठ छल कपट करने की जो बात करते हैं, इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ये चलती फिरती झूठ बोलने की मशीनें हैं, जो आए दिन फीड करती हैं और जगह जगह पर इलेक्ट्रॉनिक चलती हैं। इनको फिर मन तो आदमी का क्या होता है कि मेरे मन में आएगा, मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं तो कोई जिम्मेदारी नहीं होती नैतिक उसकी। तो ये चलती फिरती इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं, इनको फीड कर दिया जाता है, झूठ बोलने लग जाती हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने 2003 से पहले का मध्य प्रदेश मिस्टर बंटाढार के नेतृत्व में देखा है। मैं तो नौजवानों से कहना चाहता हूं जो उस समय पैदा हुए थे, 17-18 साल के हो गए, उस मध्य प्रदेश को याद वो भी करते हैं कि 2003 से पहले मध्य प्रदेश कैसा था, और 15 महीने की सरकार में हर गरीब के हक और अधिकार को छीनने का काम श्रीमान कमलनाथ की सरकार ने किया था। और इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, एक वर्ग नहीं, जितने भी वर्ग थे, किसानों से लेकर के नौजवानों से लेकर के महिलाएं हमारी, आज हमें गर्व होता है कि महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी हमने शुरू की थी जो आपने बंद कर दी थी, कन्यादान योजना हमने शुरू किया था हमारी भांजियों के हाथ पीले करने के लिए, आपने उस योजना पर झूठ बोल करके 51,000 रुपए देने की बात की, आधा पैसा किसी भांजी को नहीं मिला था। और इसी प्रकार से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लाडली बहना योजना में, भारत के राजनीतिक इतिहास में हमारी बहनों के हाथ मजबूत करने के लिए, केवल महिला सशक्तिकरण नहीं, समाज के सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक बहन के हाथ मजबूत किए, उन्हें 1,000 रुपये उनके खाते में 2 किस्त तो चली गई हैं, आगामी आने वाला 10 अगस्त को तीसरी किस्त भी जाएगी। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये झूठ और छल कपट की राजनीति नहीं करती, ये ईमानदारी के साथ गरीबों के जीवन के बदलने के अभियान में जुटी है, संवेदनशीलता के साथ काम करने वाली सरकार है, विकास और गरीब कल्याण। कमलनाथ जी कितना ही झूठ बोले आप, दिग्विजय सिंह जी आप पर्दे के पीछे रहकर अपने चेहरे को छिपा करके कुछ भी बोले, लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं मध्य प्रदेश के अंदर विकास, ये मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता कहती है हाँ मध्य प्रदेश के अंदर विकास हुआ है, सड़क बिजली पानी। आप बिजली की बात कर रहे हैं, 15 महीने में क्या किया था आपने, कर्नाटक में आपकी सरकार बन गई, क्या किया है आपने, घोषणाएं की थी, एक घोषणा पूरी नहीं हो रही। राजस्थान में आपकी सरकार थी, क्या दुरावस्था है राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर जो घोषणाएं की थी कितनी आपने पूरी की। ये झूठ बोलने का कांग्रेस का षड्यंत्र अब इस न भारत के अंदर चलेगा न मध्य प्रदेश के अंदर चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संकल्पबद्ध होकर के
मध्य प्रदेश दीमारुआ से विकसित राज्य बनाए। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आगामी 2023 हमारा संकल्प है ये मध्य प्रदेश स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा।